चंद्रयान 2 मिशन के तहत आज ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसके बाद करीब 20 घंटे तक विक्रम लैंडर इस ऑर्बिटर के पीछे पीछे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी सफलता है और अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जो विक्रम लैंडर आज सफलतापूर्वक चंद्रयान से अलग हुआ है उसका नाम इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इसका शुरुआती डिजाइन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया था, बाद में इसे बेंगलुरु के यूआरएससी ने विकसित किया। इसमें 4 पेलोड हैं और ये 15 दिन तक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। आपको बता दें कि भारत ने जब चंद्रयान मिशन के लिए रूस से लैंडर की मांग की थी तो उसने ये तकनीक देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया और भारत का अपना स्वदेशी लैंडर विकसित कर लिया जिसका नाम विक्रम रखा गया। मिशन चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने का यह पड़ाव बेहद अहम है और वैज्ञानिकों के लिए भावुक कर देने वाला मौका भी। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब इसरो के प्रमुख सिवन ने कहा था कि विक्रम का ऑर्बिटर से अलग होना वैसे ही होगा जैसे बेटी अपने मायके से विदा होती है। 7 सितंबर का दिन चंद्रयान 2 के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि उसी दिन विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को 1:30 बजे से 1:40 बजे तक विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना शुरू करेगा। तब इसकी रफ्तार होगी 200 मीटर प्रति सेकंड। ये इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसके बाद रात 1:55 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद 2 क्रेटर्स मैजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच मौजूद मैदान में उतरेगा। करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर उतरेगा। ये 15 मिनट बहुत तनावपूर्ण होंगे। इसके बाद रात 3:55 पर यानी कि लैंडिंग के 2 घंटे के बाद विक्रम का लैंडर का रैंप खुलेगा और इसी के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। इसके बाद सुबह 5:05 पर प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलेगा। इसी सोलर पैनल के जरिए उसे ऊर्जा मिलेगी और सुबह 5:10 पर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलना शुरू कर देगा। ये रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर 14 दिन तक यात्रा करेगा। इस दौरान यह 500 मीटर की दूरी तय करेगा। तो विक्रम के ऑर्बिटर से अलग होने को लेकर इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा था कि यह ऐसा ही है जैसे बेटी अपने मायके से विदा हो जाए। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था तब उन्होंने ये बयान दिया था।